श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरि ओम नाथ। अष्टावक्र गीता प्रकरण 18वां सूत्र 16 अनुवाद। जिसने पर ब्रह्म को देखा है वह भला मैं ब्रह्म हूं का चिंतन भी करे, लेकिन जो निश्चित होकर दूसरा कोई नहीं देखता वह क्या चिंतन करे। व्याख्या है, बहुत अच्छा इसका महत्व है 16वें सूत्र का। चिंतन दो के बिना नहीं होता, एक चिंतन करने वाला तथा दूसरा जिसका चिंतन किया जाता है, अर्थात उसमें जीव और ब्रह्म दोनों भिन्न भिन्न होने पर ही चिंतन संभव है। अज्ञानी ही अपने को उस पर ब्रह्म से भिन्न जीव मात्रा समझता है, इसलिए वह उस ब्रह्म का चिंतन करता है, क्योंकि उसने ब्रह्म को देखा है तो देखने वाला उस ब्रह्म से भिन्न है तभी वह देखता है। यह स्थिति पूर्ण ज्ञान से पूर्व की है, यह स्थिति पूर्ण ज्ञान से पूर्व की है जिसमें मन को उस ब्रह्म का आभास मात्र होता है, इसमें द्वैत बना रहता है। इस स्थिति में वह मैं ब्रह्म हूं का चिंतन भी करता है, किंतु उसमें मैं और ब्रह्म दोनों की उपस्थिति रहती है। पूर्ण ज्ञान की अवस्था में यह मैं को अहंकार मात्र है मिट जाता है, तब केवल ब्रह्म ही शेष रह जाता है। पूर्ण ज्ञान की अवस्था में यह मैं जो अहंकार मात्र है मिट जाता है, वह केवल ब्रह्म ही शेष रह जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान की स्थिति में जीव और ब्रह्म का भेद ही मिट जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। अहंकार के कारण ही मैं का ब्रह्म से भिन्न अस्तित्व ज्ञात हो रहा था, वह मिट जाता है। जो सर्वत्र एक ही ब्रह्म की अनुभूति होती है, फिर कौन किसका चिंतन करे। ज्ञान की यही चरम स्थिति अद्वैत की है, जिसका अनुभव कुछ ही उच्च कोटि के ज्ञानियों को हुआ है। जिन्होंने अहंकार बचा लिया उन्हें मैं से भिन्न ब्रह्म की अनुभूति हुई, जिन्होंने अहंकार बचा लिया उन्हें मैं से भिन्न ब्रह्म की अनुभूति हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरि ओम नारायण नारायण।